कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी मात्र 2 दिन में ही सच साबित हो गई, जब कल सुबह दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। कल सुबह 5:40 पर ईडी का छापा राजकुमार जी के, आनंद जी के घर पर पड़ा। एक ऐसे केस में पड़ा जो 19 साल पुराना है, एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ और पिछले 19 सालों से कस्टम्स ट्राइब्यूनल के अंडर सब जुडिस है। 19 साल तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये दो एजेंसियां ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हैं, तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा।